कठोर लिंग कब तक कठोर रहना चाहिए, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफी लोगों का सवाल ये आते हैं कि भाई कठोर लिंग जो है, मतलब टाइटनेस तो आता है, इरेक्शन तो आता है, मगर हमको डर लगता है कि वो ढीला हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और बाद में फिर इंटरकोर्स नहीं कर पाएंगे, वो कब तक रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वो पतन होने के बाद में ढीला हो जाता है, मतलब जल्दी पतन होता है, ढीला हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि पतन नहीं होता है तभी भी ढीला हो जाता है। तो दोनों सिचुएशन में क्या होता है कि समाधान स्त्री और पुरुष का दोनों का होता नहीं है, क्योंकि जल्दी हो गया पतन तभी ढीला हो जाता है, पतन नहीं होता तभी ढीला हो जाता है, तो फिर समाधान ही कहाँ से होगा। एवरेज टाइम जो है वो है 5 मिनट 40 सेकंड, मतलब योनि में लिंग का प्रवेश होने के बाद में इंटरकोर्स चलने का टाइम है 5 मिनट 40 सेकंड। वैसा काफी स्टडीज में पाया गया है कि लोग 10 मिनट तक सेक्स करते रहते हैं और बाद में फिर दोबारा सेक्स करना है तो उनको टाइम लगता है। उम्र के अनुसार, यंग है तो हो सकता है कि वही सेशन में, मतलब कुछ 15-20 मिनट आधे घंटे बाद में फिर इरेक्शन आ जाएगा, या फिर कुछ लोगों को 1-2 घंटे देने पड़ते हैं, कुछ लोगों को 1 दिन देना पड़ता है, मगर कुछ लोगों का जल्दी ही लूज हो जाता है और फिर प्रॉब्लम आता है। अब जल्दी लूज होना बिना पतन का तो वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि खुद को भी खुशी नहीं मिलती ना स्त्री को भी खुशी दे सकते हैं। तो फिर इसके क्या कारण है वो देखने पड़ेंगे। एक है कि माइंड यदि डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बहुत सारे विचार है और फोकस चले गया, विचार बहुत आ रहे हैं, तो वो कारण हो सकता है। एंग्जाइटी बहुत है, चिंता है, घबराहट है, उसकी वजह से होता है। डिप्रेशन है, नर्वसनेस, उदासीनता, फिर स्ट्रेस है, स्ट्रेस और स्ट्रेंस बहुत दिमाग के ऊपर लोड है, प्रेशर है। कुछ लोगों को एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स, मतलब चिंता की बीमारी है इसलिए दवाई चालू है, एंटी डिप्रेशन ड्रग चालू है, उससे भी होता है। कुछ लोगों को SSRI चालू है, तो SSRI की वजह से भी हो सकता है कि जल्दी ढीला हो जाता है। ओबेसिटी, मोटापा यदि है, तो मोटापा यदि है और अम्बिलिकस के नीचे, मतलब पेनिस के अलोंग साइड बहुत ज्यादा फैट यदि है तो भी प्रॉब्लम आता है। स्मोकिंग, मतलब सिगरेट, तंबाकू, फिर शराब। एंटी एलर्जी ड्रग्स, मतलब खुजली वगैरह जो आती है ना, एलर्जी होती है उसके ड्रग, उससे भी जल्दी ढीला होने के चांसेस बनते हैं। फिर दिल की बीमारी, डायबिटीज मेलाइटस, ब्लड प्रेशर और लो टेस्टोस्टेरोन, पुरुष का जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन उसका लेवल कम रहना, तो ये सारे कारण है कि जिसके वजह से लिंग का टाइटनेस तो आता है मगर जल्दी ढीला हो सकता है, क्योंकि वो मेंटेन नहीं कर पाता। हमको ये समझना पड़ेगा लिंग टाइट क्यों होता है या कठोर क्यों होता है, क्योंकि वहाँ दो स्पॉन्जी टिश्यू रहते हैं, उसका नाम है कॉर्पस कैवर्नोजम या कैवर्नोजा बोलते हैं दो है तो, और नीचे कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, कम से कम 150-200 ml ब्लड उसमें अंदर घुसता है, इसके वजह से लिंग में कठोरता आती है। अब वो ब्लड यदि खून, मतलब लिंग में कम प्रवेश किया तो कम कठोरता आएंगी, जल्दी वापस आ गया तो कठोरता निकल जाएगी, तो दोनों भी पॉसिबल है। अभी ये समझो होता है तो कुछ दिन के लिए आपने रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, स्ट्रेस स्ट्रेन है, तनाव है तो सेक्स नहीं करने का है, और कुछ समय तक यदि बहुत ही प्रेशर, चिंता, घबराहट, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है तो सीधा सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल ले लो, उससे इरेक्शन अच्छा रहेगा और एक बार का कॉन्फिडेंस आ गया तो बाद में वो दवाई बंद कर देना, यदि करते तो प्रॉब्लम निकल जाएगा। काउंसिलिंग करना ये बेस्ट है। पार्टनर ने भी ये देखना है, स्त्री ने, कि भाई धीरज देना, सपोर्ट करना पुरुष को, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज उसको यदि बुरा बोल दिया या बोल दिया कि क्या तुम्हारा ऐसा क्यों हो रहा है या झगड़ा झंझट कर लिया तो और टेंशन आ जाएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।